धर्म दे विच जो कि कानूनी किसी भी तरीके हो नहीं सकता, दखलअंदाजी करन दी कोशिश सिख कौम दे उत्ते गुरु मर्यादा दे उत्ते कोई हमला हुंदा ते मैं उहदे विरुद्ध आवाज़ समय समय उठाउंदा रहिंदा। सो उस नूं मुख रख के पंच प्रधानी मर्यादा दे मुताबक असीं पंजाब सरकार दे मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते बुलाया और ये कहा कि ये जो वाब वेला खड़ा किया गया वा जां गुरु मर्यादा दे विच सरकार वल्लों दखलअंदाजी दिती जा रही है जिहड़ी कि तुसी दे नहीं सकते। श्री अकाल तख्त साहब, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी अकाली दल, ये सिखां दियां बड़ियां सत्कारयोग संस्थावां ने और बड़ी कुरबानी तो बाद होंद विच आईआं। 2 MLA साहिबान उन्हां दे कोल अपनी चिट्ठी दे के भेजिआ, आ जिहड़ी चिट्ठी तुसीं मेरे हाथ विच वेख रहे हो लफाफे दे विच बंद है, इहदे विच मैनूं नहीं पता की लिखिआ है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप समूह संगतां नूं पता है कि गुरबाणी दे प्रसारण नूं लै के पंजाब सरकार ने सिख धर्म दे विच जो कि कानूनी किसी भी तरीके हो नहीं सकता, दखलअंदाजी करन दी कोशिश कीती है। सो मेरी संगतां वल्लों ड्यूटी लगी है जथेदार जगतार सिंह हवारा दी गैर हाजरी च कि जदों भी कोई सिख कौम दे उत्ते गुरु मर्यादा दे उत्ते कोई हमला हुंदा ते मैं उहदे विरुद्ध आवाज़ समय समय उठाउंदा रहिंदा। सो उस नूं मुख रख के पंच प्रधानी मर्यादा दे मुताबक असीं पंजाब सरकार दे मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते बुलाया और ये कहा कि ये जो वाब वेला खड़ा किया गया वा जां गुरु मर्यादा दे विच सरकार वल्लों दखलअंदाजी दिती जा रही है जिहड़ी कि तुसी दे नहीं सकते, तुसी सानू अकाल तख्त साहब दे उत्ते आ के इहदा जवाब दिओ बई ये क्यों कीता गया। क्योंकि खालसा पंथ जिहड़ा वो अज तक हमेशा जुल्म दे खिलाफ जूझदा है। श्री अकाल तख्त साहब, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी अकाली दल, ये सिखां दियां बड़ियां सत्कारयोग संस्थावां ने और बड़ी कुरबानी तो बाद होंद विच आईआं। इन्हां दे उत्ते श्री अकाल तख्त साहब दा जिहड़ा कुंडा है वो हमेशा रहिंदा और सारी देश विदेश विच वसदी जिहड़ी सिख कौम आ वो अकाल तख्त साहब दे नाल जुड़ी है। इत्थे ना तां कोई पार्टीबाजी दा मसला है, ना कोई धड़ेबंदी दा मसला है ते ना ही कोई दवैत दा मसला है। इत्थे सभे सांझी वाल सदायन कोई ना दिसे बारा जियो।
श्री हरिमंदर साहब के दरवाजे पूरी मनुखता दे लई हमेशा खुले रहिंदे है। इत्थे कदी नहीं पुछया जांदा कि तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू ईसाई है, तू जैनी है, तू बुद्धी है, तू सिख है, नहीं पुछया जांदा। इत्थे श्रद्धा नूं मुख रख के, आस्था नूं मुख रख के दुनिया दीयां संगतां इत्थे आ के नकमस्तक हुंदियां ने। सो ये सिखां दे जिहड़ी मर्यादा, मान मर्यादा भावें श्री अकाल तख्त साहब दी है, भावें वह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की है, भावें वह श्रोमणी अकाली दल की है, ये सिखां दे अपने मसले है। सिख बिखर जाते ने, बहुत वारी बिखरे ने, बहुत बड़ी अलग थलग होए ने, पर साडा गुरु एडा समर्थ आ कि वह कृपा करके फिर किसी ना किसी रस्ते दे उत्ते, किसी ना किसी मोड़ दे उत्ते लिया के सानू कट्ठियां कर देंदा है। सो वो जिहड़ा एकता दा फर्ज, वो जिहड़ी एकता दी गल, वो जिहड़ी मान मर्यादा दी राखी दी गल असी करदे रहे हैं। अज भगवंत सिंह मान नूं असी तीसरा मौका दिता सी कि तुसी आ के अपना पक्ष स्पष्ट करो। देर है दुरुस्त है, अज पंजाब दी सरकार ने श्री अकाल तख्त साहब नूं सन्मुख रख के अपने दो MLA साहिबान उन्हां दे कोल अपनी चिट्ठी दे के भेजिया। आ जिहड़ी चिट्ठी तुसी मेरे हाथ विच वेख रहे हो, लफाफे दे विच बंद है। इहदे विच मैनूं नहीं पता की लिखिया है की नहीं लिखिया। सो मैं एडा काला काला नहीं गा, मैं संगत नूं पता ला के ही हटांगे, मैं एडा काला नहीं है। सो मैं समुची सिख, पहला असी पांच सिंह जिहड़े ने सामने खड़े आ, असी विचार करांगे, दुनिया भर दे विच बैठे सिखां दी विचार लवांगे इस पत्तर दे उत्ते। उस तों बाद जिहड़ा फैसला इत्थे होगा वो पूरी दुनिया के रूबरू होगा। इस करके मैं प्रेस तो मीडिया तो इस गल की समय की मंग करदा, सानू समा दिओ। असी जो तुहाडे मन दीयां भावनावां ने जां संगत दे मन दीयां भावनावां है, फैसला उन्हां भावनावां नूं दबा के नहीं होगा, पर किहो जिहा फैसला कीता जावे, क्योंकि जवाब आया है, सरकार दा जवाब आया, इहदे ते विचार करके आउण वाले दिनां दे विच असी बकायदा डेट देवांगे इस महीने दे विच विच असी डेट देवांगे। उस डेट दे उत्ते जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब दा फैसला वा वो सारियां संगतां दे ते मीडिया दे रूबरू कीता जाऊगा। सिंह साहब, ये जिहड़ा फ्रेंडली मैच है, क्योंकि पंजाब सरकार ने एक सोध कीती है जी, श्रोमणी कमेटी ने उहदा विरोध किया, अकाली दल बादल ने भी विरोध करता, हुण तुसीं भी उस ही पैटर्न के उत्ते एक दोस्ताना मैच खेडदे आ, बादलों का बॉल चुके अपने हाथ लै लिया तो उन्हें बाहर सुटना, ये की सारा जी थोड़ा जिहा क्लीयर करा। मैं किसी की तो गरंटी नहीं दिंदा, कौन पहलों की करता रहा तो कौन हुण की करता है। श्रोमणी कमेटी भी सरकार नूं इसे गल च लैके भलेटदी है, अकाली दल बादल भी यह गल कहिंदा, अज सरबत खालसा भी यह गल कह रहा, जबकि श्रोमणी कमेटी ने कभी सरबत खालसे नूं मानता ही नहीं दी। असीं किसी नूं कहिंदे भी नहीं हैगे भी सानूं मानता दिओ, असीं नहीं कहिंदे हैगे। जदों कौम ने मानता दित्ती है, सानूं किसी बंदियां दी किसी धड़ियां दी मानता दी लोड़ नहीं जी। असी किसी दे नाल ना तो अज तक फ्रेंडली मैच खेडिया वा तो ना असी खेडना वा। जिहड़ी गल होगी सिर तो लैके पैरां तक जिहड़ी है वो श्री अकाल तख्त साहब नूं समर्पण हो के इहदी मर्यादा नूं मुख रख के होगी, पारदर्शी होगी, इहदे उत्ते कोई शंका ना करे, पारदर्शी सारा कुछ करांगे। सो इस करके तुसीं कहिंदे हो मैं चिट्ठी खोल देवां, मैं चिट्ठी खोल सकदा वां, मैं खोल सकदा वा,
पर जिहड़ी गल पंथ बनाउणी चाहुंदा जिहड़ी गल कौम बनाउणी चाहुंदा उह बननी नहीं। आपां कौम दी गल करनी आ, पंथ दी गल करनी आ, मर्यादा दी गल करनी आ। तुहाडी सलाह नाल सारा कुछ होऊगा। अज सिर्फ इन्ना ही। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखो गल इस तरह वा कि जे सरकार ने हुण ये गल ठीक आ कि सानू अंदर नहीं जान देंदे, इहदे विच ना तां साडा कसूर आ ते ना किसी होर दा कसूर आ। तो असी भी अकाल तख्त साहब की मर्यादा बड़ी चंगी तरह समझते हाँ। असी भी उत्थे मकाल नहीं पाउणी चाहते, टकराओ असी नहीं करना चाहते। इस करके जिहड़ा फैसला वा सानू हुण सकत्तरीत दे सामने आ के सानू करना पैंदा वा। पर कोई गल नहीं, असी इत्थे भी ठीक हाँ। समा बदलेगा, असी उत्थे भी जावांगे कोई मौका आऊगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सानू स्पष्टीकरण भेजिया सी, अपना लैटर लिख के अपने सैन करके उन्हें भेजे थे। मैं प्रेस के रूबरू सारा कुछ किया है ते आ भी करना वा, ये भी करांगे। पर ओदे तो साड़ी तसली नहीं सी हुई जो उन्होंने लिखिया सी। उन्होंने मंत्री भी पेश हुए सी, उन्होंने MLA भी पेश हुए सी, पर जो उन्होंने लिखती तौर दे उत्ते स्पष्टीकरण दिता सी, साड़ी ते मेरी कौम की तसली नहीं सी हुंदी। इस करके उन्होंने तनखाइया करार मेरे दिता सी। क्यों हो गए ना हैरान? ए चमत्कार किवें होया? ओ ए चमत्कार कीता बैद बान दे काला गूंद कैप्सूल ते काला गूंद क्रीम ने। हां, काला गूंद कैप्सूल ने मेरे गोडियां दी ग्रीस बनाती ते काला गूंद क्रीम ने थोड़े मां दे जोड़े दर्द मिटाती। आ देखो, बिना ऑपरेशन गोडियां दी ग्रीस अते जोड़ां दे दर्द लई गुणकारी वैद्यवान काला गूंद कैप्सूल एंड क्रीम अज ही अपनाओ, जोड़ां दे दर्द तों छुटकारा पाओ।